राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का एसडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैं संदीप चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने आज के सेशन में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई DSSB में 567 पदों पर प्यारे बच्चों भर्तियों का नोटिफिकेशन, ऑलमोस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लॉन्ग नोटिफिकेशन है या डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो 8 फरवरी को आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है प्यारे बच्चों। तो ऐसे में जो फुल इंफॉर्मेशन है वो तो तब आपको मिल ही जाएगी, लेकिन एज प्रीवियस नोटिफिकेशन, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कैसे करें सिलेक्शन वाली तैयारी। अगर आप एक बार में ही इस भर्ती प्रक्रिया में अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहते हो तो भैया तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्त यार जो भी महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, सहेलियां हैं आप लोगों की, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो DSSB है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, प्यारे बच्चों ये एक ऐसा आयोग है जिसकी स्थापना 8 जनवरी 1950 को की गई थी। किसके लिए? कि दिल्ली के अंदर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, नर्स, क्लर्क, शिक्षक, इन सभी के जो कुशल उम्मीदवार हैं उनकी भर्तियों को किया जा सके इस डिपार्टमेंट के थ्रू। प्यारे बच्चों वहीं अगर हम इसकी बात कर लें तो 8 फरवरी से इसके फॉर्म आई जाएंगे। क्वालिफिकेशन आप लोगों को 10th चाहिए और एज लिमिट प्यारे बच्चों 18 से 30 साल है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिली हुई है एस दिल्ली गवर्नमेंट। प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो प्यारे बच्चों रिटन एग्जामिनेशन है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और रिटन एग्जामिनेशन की भी अगर हम बात कर लें तो रिटन एग्जामिनेशन में आप लोगों के साथ है प्यारे बच्चों GK GS, आप लोगों का 20 क्वेश्चन आएगा। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20, हिंदी के 20, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और प्यारे बच्चों आपको समय जो मिलेगा इसके लिए 2 घंटे, और 0.25 की आप लोगों की क्या होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत तो 1 सही क्वेश्चन को उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा 1 सही क्वेश्चन को, राइट। अब समझो मेरी बात को आगे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सिलेबस है। सबसे पहले आप लोगों सिलेक्शन वाली स्टडी को करना चाहते हो तो दिमाग में यह क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि रीजनिंग है तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है, विदाउट सिलेबस के तैयारी स्टार्ट कैसे करोगे, मेरे ये बात समझ में नहीं आती। तो भाई देखो पहले रीजनिंग का सिलेबस एक जगह पर आप लिख लोगे, फिर रीजनिंग के लिए अगर मैं आप लोगों को, जैसे ये सारे टॉपिक्स हो गए है ना, तो इन टॉपिकों के लिए अब आप लोगों को जो अपनाना है तरीका वो आप समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका जो पेपर है वो जून जुलाई में एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। अब फरवरी से मैं उठाकर देख लूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, आपको एक तरीके से 4 महीने मिलेंगे। लेकिन चलो अगर मैं 90 डेज इसकी तैयारी का क्राइटेरिया रख रहा हूं कि भाई 90 डेज में हमें इसकी तैयारी को करना है प्यारे बच्चों, अब 90 डेज की तैयारी में प्यारे बच्चों आप लोग इसकी तैयारी को कैसे करोगे वो समझना। 2 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करनी है, एक तो 60 डेज आप लोगों को यहां पर लिखना है और एक आपको प्यारे बच्चों 30 डेज यहां पर लेकर चलने हैं। ये जो 60 डेज है इसमें हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारा सिलेबस होगा हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और इन 30 डेज में हम लोग प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे यहां पर, मॉक टेस्ट लगाएंगे। इन 30 डेज में हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट का हम लोग लगाएंगे यहां पर कि भाई मॉक टेस्ट जो भी है वो आप लोगों के हम लोग यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, लगाएंगे। अब समझो इन 60 डेज को लेकर कैसे चलना है। आप लोगों ने काउंट किया कितने टॉपिक है प्यारे बच्चों, 16 टॉपिक है रीजनिंग में आपके, है ना। अब 16 टॉपिक पर अमूमन तौर पर मान लेते हैं कि एक टॉपिक में आपको 3 या आपको 4 दिन लग सकते हैं, छोटा टॉपिक है तो 3 दिन, बड़ा टॉपिक है तो प्यारे बच्चों 4 दिन, ऐसे करके 16 3 48 या 16 4 64, तो आपका जो टोटल है वो 48 डेज मिनिमम अगर आप 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हो तो, और 4 दिन में अगर आप कंप्लीट करते हो तो 16 4 64 डेज प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा इतने डेज में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट प्यारे बच्चों। अब इन सिलेबस को भी कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को अपनी पढ़ाई का क्राइटेरिया कैसे रखना है वो समझिए। तो सबसे पहले रीजनिंग को आप लोग टीचर के क्लास नोट्स प्यारे बच्चों, है ना, रीजनिंग के जो भी आप लोगों के क्लास नोट्स हैं आप लोग सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, क्योंकि क्लास नोट्स में टीचर आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो सारी तरीके बताता है जिससे कि
आप लोग जब किसी बुक से क्वेश्चन को लगाएं तो आप देखते ही समझ जाएंगे भाई ये क्वेश्चन तो सर ने बता रखा है और ये ट्रिक से सॉल्व होगा या प्यारे बच्चों आपका कंसेप्ट से सॉल्व होगा तो वो टीचर आपको पहले ही बता चुका होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये काम करोगे मेरे हिसाब से, ठीक है, जब क्लास नोट से आप लोग क्वेश्चन को लगा लो। तो दूसरा है फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक किताब चाहिए होगी, आपको एक प्रैक्टिस बुक की नीड पड़ेगी प्यारे बच्चों, जहां से कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। ये दो किताबें मैंने आप लोगों के सामने यहां रखी, आप इन दोनों में से किसी भी किताब को लाकर प्रैक्टिस को कर सकते हो। चाहे आप एस चांद की लिया हो, रीजनिंग की टॉपिक वाइज है पूरी की पूरी, 2023 तक एसएससी परीक्षा में पूछे गए सभी टीसीएस वाले प्रश्न यहां दे रखे हैं, या आप रीजनिंग की 7200 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज ये वाली भी आप लेकर आ सकते हो। चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहां पर आपको मिल जाएंगे। इन एमसीक्यूज में भी क्या करना कोशिश करना कि इस वाली क्लास को आप एक दिन में खत्म कर लो या मैक्सिमम आप लोग दो दिन में खत्म कर लो, ठीक है, और बाकी के दो दिन में आपको ये सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों खत्म करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको बुक के ये खत्म करने हैं। और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही बन जाएंगे क्लास नोट्स लगाने के बाद, टीचर से पढ़ने के बाद, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मतलब थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उस पर प्यारे बच्चों आप लोग स्टार लगा देना, कम अच्छा है एक स्टार, ज्यादा अच्छा है तो दो स्टार लगा देना। इससे क्या फायदा होगा कि आगे चलकर जब हमें कभी रिवीजन करना पड़ेगा तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हम लोगों को केवल उतने ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे प्यारे बच्चों जिन पे हमने स्टार मार्क कर रखा होगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिन्होंने हमें परेशान किया था। तो आप लोग इन क्वेश्चन पर क्या कर लेना, स्टार मार्क एक बार लगा लेना प्यारे बच्चों, ये बुक से आप लोगों की रीजनिंग की। सेम अब मैं मैथ्स के लिए बात करूं तो मैथ्स के लिए हालांकि मैं एक अलग से वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो आप अलग से भी मैथ्स की पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग चर्चा करेंगे इसी तरीके से ही। तो ये मैथ्स के 15 टॉपिक हैं आप लोगों के, ये मैथ्स के लिए बुक है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने आप लोगों को वहां सिखाई है। 60 डेज में क्या करना है, 60 डेज में आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 डेज हम लोग रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, यानी कि हम लोग मिक्स मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे, मिक्स मॉक टेस्ट लगाना हम लोग क्या कर देंगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। सेम इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश के लिए आप लोग यहां पर समझेंगे प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो बुक आती है, ये ग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छी किताब है, ग्रामर के अच्छे अच्छे गोल्डन रूल्स यहां पर दे रखे हैं, और ये वोकैबुलरी के लिए सिनोनियम्स एंटोनियम्स वन वर्ड ईडियम्स इनके लिए गोल्डन बुक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी करके ये आती है। तो आप इस दोनों किताबों को ले लोगे, ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहीं जब आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एक काम करना है, डेली न्यूज़पेपर प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ना है। इससे क्या अच्छा होगा, एक तो आप लोगों का इससे जो कॉम्प्रिहेंशन का तरीका है, इंग्लिश पढ़ने का तरीका है, एक तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, दूसरा आप डेली के करंट अफेयर से भी अपडेट रहोगे, एक तरीके से जीके जीएस भी करंट अफेयर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा आपकी जो रीडिंग स्किल्स होंगे वो काफी डेवलप होंगे, काफी मजबूत होंगे। तो ग्रामर हो गया आप लोगों का, आप लोगों के लिए वन वर्ड हो गया, और आप लोगों के लिए डेली प्यारे बच्चों ये न्यूज़पेपर हो गया। अब बात आती है हिंदी की, हिंदी को कैसे किया जाए, कुछ मत करो हिंदी के लिए, मीनाक्षी मैम आप लोगों को पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनके क्लास नोट्स को आप कवर कर लो। और उसके अलावा प्यारे बच्चों ये आप लोगों की आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, एक आदित्य पब्लिकेशन की, इस बुक को प्यारे बच्चों आप लोग ले आओ, सारे कंटेंट इसमें काफी अच्छी किताब है, बहुत सारे बच्चों ने इसके पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, डायरेक्ट रखे के रखे क्वेश्चन इस बुक में से आ जाते हैं। तो आप लोग इस किताब को ले आओ और इससे आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। ये जीके जीएस का सिलेबस है पूरा, जो चीजें आप लोगों की आनी है जीके जीएस में, कुछ नहीं करना है, जो टीचर जितना पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करो, और उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव लूसेंट की बुक आती है, केवल केवल दो तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जितने बार मैक्सिमम हो सकता है आप इस किताब को प्यारे बच्चों लगा लो, बस आपका उद्धार इसी में हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा शेड्यूल है DSSB MTS का, हम लोग क्लासेस इसकी चला रहे हैं, सुबह ही 9 बजे से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, 9 बजे हिंदी पढ़ाने मीनाक्षी मैम आती हैं, 10 बजे जीके जीएस पढ़ाने आपको शिवानी मैम आती हैं, 11 बजे आपको मैथ्स पढ़ाने में खुद आता हूं प्यारे बच्चों, और 12 बजे से आप लोगों की इंग्लिश की क्लास चलती है। तो ये पूरा शेड्यूल आप लोगों का यहां पर है, और हम लोग बहुत एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो जरूर प्यारे बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे, एसडी कैंपस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, पेड कोर्स की जानकारी, फ्री कोर्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ, इन सब के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइएगा, जो भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपकी महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों।